है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स इन जावा, जावा में कितने तरीके की डेटा टाइप्स हैं, उनका साइज क्या है, उनका रेंज क्या है, उनको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं लिटरल्स इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं लिटरल्स की बात करूं तो लिटरल्स को हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, लिटरल्स कुछ ऐसी वैल्यूज होते हैं जिसको हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कुछ वेरिएबल है, उनका कुछ वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज को हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं। वो जो लिटरल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होते हैं, और द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ लिटरल्स, तभी तो हम इनको कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। मतलब इसको अगर हम समरी करें तो लिटरल्स एक ऐसी वैल्यूज होते हैं जिसको हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, और लिटरल्स की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है, ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये चेंज नहीं होते। तो ये तो हो गए लिटरल्स की डेफिनेशन। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लिटरल्स की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंट एक्स इक्वल टू 10। यहाँ पर जो इंट है वो है डेटा टाइप, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंट एक इंटीग्रल डेटा टाइप है। तो इंट को एक्स नाम की एक वेरिएबल असाइन करी गई है, ये एक्स जो है वो वेरिएबल है, ये एक नाम है वेरिएबल का, तभी हम इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स है इसको हम एक वैल्यू असाइन करी गई है जो कि है 10। जो 10 है वो लिटरल से, क्योंकि ये 10 एक्स को असाइन करी गई है, इसीलिए हम 10 को लिटरल्स भी बोल सकते हैं, और ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं कितने ऐसे तरीके हैं जिसको यूज करके हम लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए वो है डेसिमल लिटरल्स। तो जैसे कि हमको पता है डेसिमल का बेस होती है 10, तभी इसका जो अलाउड डिजिट होते हैं वो है 0 to 9। मतलब जो डेसिमल लिटरल्स होते हैं उसमें हम सिर्फ 0 to 9 तक डिजिट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इंट एक्स इक्वल टू 10, तो ये पर 1 और 0, ये 0 to 9 के बीच में, तभी यहाँ पर कोई एरर शो नहीं करेगा, ये एक डेसिमल लिटरल्स है। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट एक्स इक्वल टू 15, इंट एक्स इक्वल टू 8, इंट एक्स इक्वल टू 40, कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं जो कि 0 to 9 की रेंज में हो। तो ये हो गया डेसिमल लिटरल्स, जो कि था पहला तरीका लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए। तो जो दूसरा तरीका है वो है ऑक्टल लिटरल्स, और ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, तभी इसका जो अलाउड डिजिट होता है वो होता है 0 to 7। मतलब हम 0 to 7 के बीच में जितने भी डिजिट हैं उनको हम ऑक्टल लिटरल्स में डिफाइन कर सकते हैं। और ऑक्टल लिटरल्स में डिफाइन करने का कुछ तरीके होते हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि ऑक्टल लिटरल है या डेसिमल लिटरल है, तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स होता है जो कि होता है 0। अगर आपके नंबर से पहले 0 प्रीफिक्स है तो हम इसको ऑक्टल लिटरल्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि इंट एक्स इक्वल टू 010, तो मतलब ये जो 10 नंबर है 10 है, ये 10 से पहले कुछ प्रीफिक्स है जो कि 0, तो 0 प्रीफिक्स है मतलब ये ऑक्टल लिटरल्स है। तो जो तीसरा तरीका है लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए वो है हेक्साडेसिमल लिटरल्स। हेक्साडेसिमल का जो साइज होता है, जो बेस होता है वो होता है 16। अगर हम अलाउड डिजिट की बात करें जो कि 0 to 9, और यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि रेंज में है A to F। अगर मैं इसको समरी करूँ तो हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 तक डिजिट को डिफाइन कर सकते हैं, और A to F तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको भी हम हेक्साडेसिमल लिटरल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्टल की जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0, लेकिन जो हेक्साडेसिमल की जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0x। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको याद रखना, ऑक्टल की जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0, लेकिन जो हेक्साडेसिमल की जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0x। तो ये 0x10 मतलब ये हेक्साडेसिमल लिटरल से या हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट है, जिसको हम रन टाइम में या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये फिक्स रहता है, तभी हम इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स। तो चलिए कुछ प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं काम कैसे करते हैं।
तो मैं यहाँ पर सिंपली ओपन कर रहा हूँ मेरा सबलेम, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, हालांकि मैं सबलेम यूज करता हूँ, आप भी सबलेम यूज कर सकते हो। यहाँ पर कलर कोडिंग होता है जो कि देखने में थोड़ी क्लासी लगता है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास का नाम और मेन मेथड डिफाइन करके रखा हुआ है, तो क्लास का नाम है एग्जाम्पल, जो मेन मेथड है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। इस तरह से हम जावा की मेन मेथड लिखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेसिमल लिटरल्स, जो कि अलाउड डिजिट से 0 to 9। तो मैंने यहाँ पर टाइप करा इंट एक्स इक्वल टू 10, जो कि डेसिमल। तो फिर मैंने इसको प्रिंट करा, प्रिंट करने के लिए हम जावा में यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करी, तो फिर इसको मैंने सेव करा। अब इसमें CMD खोल रहा हूँ, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पर हमको कंपाइल और रन करनी है। तो यहाँ पर CMD, तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं जावा सी, क्लास का नाम एग्जाम्पल डॉट जावा। तो यहाँ पर सिंपली कंपाइल हो रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है हमारी प्रोग्राम में। तो रन करने के लिए जो कि जावा एग्जाम्पल, जो कि क्लास का नाम, हमारे क्लास का नाम एग्जाम्पल, तभी मैं यहाँ पर जावा एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू शो हो रहा है 10, मतलब हम डेसिमल लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हैं जावा की प्रोग्राम्स में। तो जो अगला तरीका है लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए वो है ऑक्टल। तो ऑक्टल की बेस होती है 8 और अलाउड डिजिट होता है 0 to 7, और जो प्रीफिक्स होता है वो होता है 0। तो मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स 0 लगाया, एक बार चेक करते हैं ये कंपाइल और रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर CMD कंपाइल, तो सिंपली कंपाइल हो रहा है, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो शो कर रहा है 8, जो कि यहाँ पर जो भी वैल्यू था हमारा 010, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके शो करता है, क्योंकि जो JVM बाय डिफॉल्ट जितनी भी वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमको आउटपुट शो करता है। तो यहाँ पर जो था 010, ये था ऑक्टल वैल्यू, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट शो हो रहा है। तो आई होप कि आपको पता हो डेसिमल से ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब चेक करना कि 80 आएगा। तो ये तो हो गया ऑक्टल, तो यहाँ पर होता है 0x10, यहाँ पर मैंने सेव करा, तो कंपाइल करा मैंने, कंपाइल हो रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें, रन भी हो रहा है, जो कि शो कर रहा है 16। ये 16 जो है इसका वैल्यू है 0x10, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो होता है 16। तो जैसे कि हमको पता है हेक्साडेसिमल जो अलाउड डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 to 9, और जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 8 to F। तो यहाँ पर सिंपली हम हेक्साडेसिमल को यूज करके हम जावा की प्रोग्राम में लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अगर हम कुछ लूप होल निकालें, तो पहले हम देखते हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल में जो वैल्यूज होते हैं वो अलाउड होते हैं 0 to 7। तो हम अगर हम एक बार 7 से बड़ा वैल्यू लेकर देखते हैं, जैसे कि मान लो 6 7 8, तो यहाँ पर आप बता सकते हो एरर आएगा या नहीं। तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, एक बार सोचिए कि क्या एरर आएगा, अगर एरर नहीं आएगा तो आउटपुट शो करेगा या नहीं। मैंने यहाँ पर सेव करा, तो ये कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये जो 6 7 8 था हमारा डेसिमल डिजिट था, तो हम डेसिमल में 0 to 9 तक जितने भी डिजिट हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो 6 7 8, ये तीनों डिजिट हैं, ये 0 और 9 के बीच में ही है, 6 भी 0 और 9 के बीच में, 7 भी 0 और 9 के बीच में, और 8 भी 0 और 9 के बीच में, तभी यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि JVM इनको आज अ डेसिमल ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऑक्टल बनाऊँ, ऑक्टल में प्रीफिक्स होता है 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑक्टल में आ गया 0 6 7 8। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एरर आएगा या नहीं, एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, एक बार सोचिए कि एरर आएगा या नहीं। तो एक बार देख लेते कंपाइल करके, कंपाइल नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, ये शो कर रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑक्टल वैल्यू डिफाइन करी है, जो ऑक्टल की रेंज होती है वो होती है 0 to 7, लेकिन यहाँ पर हम जो वैल्यू डिफाइन करिए वो होती है 0 to 7। ये 0 तो है,
लेकिन सिक्स भी है जीरो टू सेवन के बीच में, जीरो टू सेवन के बीच में सेवन भी तो है लेकिन जीरो टू सेवन के बीच में एट नहीं है, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है क्योंकि जीरो टू सेवन के बीच में एट नहीं है, एट सेवन से बड़ा है, तो इसलिए ये कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ऑक्टल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 06777 तो यहाँ पर शायद कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, सिंपली कंपाइल भी हो रहा है, रन करके देखते हैं। तो ये जो 28671 है ये जो है हमारा डेसिमल नंबर ऑक्टल वैल्यू का, तो हम कुछ इस तरह से ऑक्टल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं अपनी जावा की प्रोग्राम में। तो अगर मैं यहाँ पर 98 कुछ भी ले जाऊँ तो यहाँ पर एरर शो करता है कंपाइल, अब दे सकते हो लिखा हुआ है इंटीजर नंबर टू लार्ज, क्योंकि जो ऑक्टल की रेंज होती है वो थी 0 टू 7, यहाँ पर हम 9 और 8 डिफाइन करिए जो कि रेंज से काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो ये कुछ ऐसा ही काम करता है। तो एक बार हेक्साडेसिमल की देख लेते हैं इसमें हम कैसे डिफाइन करें। तो मैंने यहाँ पर टाइप करा 0x जो कि हेक्साडेसिमल के प्रीफिक्स होते हैं 10, मैंने इसको सेव करा और कंपाइल करा, कंपाइल हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई एरर नहीं है इसमें, रन भी हो रहा है, तो जो वैल्यू निकल के आया वो है 16। तो हेक्साडेसिमल को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लूप होल्स होते हैं हेक्साडेसिमल के, उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो वैल्यूज अलाउड है हेक्साडेसिमल के लिए होते हैं 0 to 9, और जो अल्फाबेटिकली जो वैल्यूज अलाउड होते हैं वो होते हैं 8 to F। तो आप यहाँ पर बता सकते हो जैसे कि ये 0x है हेक्साडेसिमल की लिटरल्स की प्रीफिक्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा तो FSCE, यहाँ पर एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर रन भी हो रहा है, जो वैल्यू शो कर रहा है वो है 64206। ये कंपाइल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो FSCE, तो ये जो चारों अल्फ़ाबेट हैं ये A टू F की रेंज के अंदर है, तो F है, A है, C है, ये चारों जो वैल्यूज होते हैं ये A टू F की रेंज में, तभी कोई एरर शो नहीं कर रहा। ये एक हेक्साडेसिमल लिटरल्स है तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं FSCE हटा के मैंने यहाँ पर लिख दिया BER, तो एक बार आप बता सकते हो एरर आएगा या नहीं। तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये जो R है ये A टू F की रेंज में नहीं है, तभी हमको एरर शो हो रहा है। सिर्फ जो अलाउड अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं A टू F, अगर उससे बड़ा वैल्यू हम ले रहे हैं, उससे बड़ा अल्फाबेट अगर हम ले रहे हैं तो हमको एरर शो आएगी। तो यहाँ पर BER, तो जो R है वो A टू F की रेंज में नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बीफ कर रहा हूँ बीफ, तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं होगा, कंपाइल हो रहा है, रन भी हो रहा है, तो हमको वैल्यू भी शो हो रहा है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए। तो जो पहला रूल है वो है, जैसे कि हमको पता है जावा जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हम पहले वीडियो में बात कर रहे थे, जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो यहाँ पर लिटरल्स के मामले में जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जो एफ टू एफ जो वैल्यूज होते हैं हेक्साडेसिमल है उनको डिफाइन करने के लिए हम कोई भी केस यूज कर सकते हैं। इट कैन बी लोअर केस, इट कैन बी अपर केस, मतलब हम स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं जावा की लिटरल्स को डिफाइन करते वक्त। तो एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर जो विफ है, तो यहाँ पर मैंने सेव करा जो कि पूरी की पूरी लोअर केस लेटर में है, तो यहाँ पर कंपाइल करने के बाद कंपाइल ही हो रहा है, कोई एरर नहीं है, रन भी हो रहा है, तो वैल्यू भी शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखूं ये पूरी की पूरी कैपिटल में, बी भी कैपिटल में, डबल ई एफ भी कैपिटल में, तो मैंने सेव करा, इसको कंपाइल करा,
कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर जो भी वैल्यू शो हो रहा था 4887n, यहाँ पर भी वही वैल्यू शो हो रहा है 4887n। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम लिटरल्स की डिफाइन करते हैं, हम कोई भी केस का यूज कर सकते हैं। इट मे बी लोअर केस, इट मे बी अपर केस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जावा केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बाकी सारे मामले में जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप जावा की प्रोग्राम्स लिखते हो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि आप कहीं कुछ गलती नहीं कर रहे हो। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को छोड़ के कोई और रास्ता नहीं है हम इंटीग्रल डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हम तीन तरीके से इंटीग्रल डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। लेकिन जो मोस्ट यूज्ड होते हैं, जिसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्रोग्राम में, वो है डेसिमल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज कम होता है, तो ना के बराबर यूज होती है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की। तो यही तीनों ही रास्ता हैं जिसकी मदद से हम जावा की जो इंटीग्रल लिटरल्स होते हैं उसका हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो इंटीग्रल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट होते हैं। अगर हम उनको बढ़ाना चाहते हैं हम लॉन्ग और फ्लोट भी कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट x इक्वल टू 10, तो रन हो रहा, कंपाइल हो रहा है, रन रन भी हो रहा है, तो 10 शो हो रहा है। अगर मैं इंट x इक्वल टू 10 एल कर दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर एरर शो हो रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। तो अगर हम एल यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो JVM को लगता है ये लॉन्ग वैल्यू है जिसको हम इंट पे डिफाइन करते हैं। इंट पे हम लॉन्ग की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हो, लॉन्ग x इक्वल टू 10L। तो मैंने यहाँ पर सेव करा और कंपाइल करा, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर शो नहीं हो रहा, रन भी करके देखते हैं तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू शो हो रहा है। तो लॉन्ग डेटा टाइप में हम इंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंट में हम लॉन्ग की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग का जो साइज होती है वो इंट से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए हम लॉन्ग डेटा टाइप में इंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप है जहाँ पर एक्स वेरिएबल है, उसमें हम डिफाइन करिए 10। यहाँ पर जो 10 है एक डेसिमल टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग के डेटा टाइप में हम इंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंट की जो डेटा टाइप होते हैं वहाँ पर हम लॉन्ग की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉन्ग की साइज होती है वो इंट से ज़्यादा बड़ी होती है, इंट लॉन्ग को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ दे सकते हो, लिखा है देर इज़ नो स्पेसिफिक वे टू स्पेसिफाई लिटरल्स फॉर बाइट एंड शॉर्ट डेटा टाइप। इसका मतलब ये हुआ जो भी इंटीग्रल डेटा टाइप रहेगी बाइट और शॉर्ट, इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है हम उनके वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही तरीका है, जो बाइट होती है उसकी जो रेंज होती है 1 to 7 तक, उसी के बीच में हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट की जो रेंज होती है 32767, बस इसकी रेंज के अंदर हम डेटा टाइप की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोई और रास्ता नहीं है बाइट और शॉर्ट डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। इसका एग्जाम्पल हम करके देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके डेटा टाइप की वीडियो देख लो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो जिसमें आप फंसते हो, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।